तब अखमीरी रोटी का पर्व निकट आया, जिसे फसह का पर्व कहते हैं। और प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस और यहुन्ना को फसह का भोजन तैयार करने पहले ही भेज दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह का भोज तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए, मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी याद में ऐसा ही किया करो। ये प्याला मेरे लहू में नई वाचा है, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। पर देखो, मुझे पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी में इस पर है। मेरी मृत्यु तो निश्चित है, जैसा कि परमेश्वर ने ठहराया है, पर अफसोस उस पर जो मुझे पकड़वाया। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, असंभव। कौन है वो धोखेबाज प्रभु?